लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अयोध्या के संतों में बाबरी एक्शन कमेटी का बाबरी मस्जिद मलबे की मांग को लेकर विरोध है। श्री राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि शरीयत में टूटी मस्जिद का मलबा रखने का कोई उल्लेख नहीं है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मुस्लिम समाज शरीयत के अनुसार चलते हैं। मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से मस्जिद को बनाया गया है। मलबा राम के प्राचीन मंदिर का है, मस्जिद वहां कभी थी ही नहीं। मस्जिद की मलबे की मांग अनुचित है। वही मलबा राम मंदिर का है, मस्जिद के नाम पर कोई अवशेष नहीं दी जाएगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमलनयन दास का कहना है कि विवादित ढांचे को राम भक्तों ने गिराया तो मलबा श्रद्धा के साथ अपने घर ले गए। अब मलबा बचा ही नहीं है, जो जगह दी गई वहां मुस्लिम समाज अपनी मस्जिद बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। बात ऐसे कोई इनके शरीयत में नहीं, शरीयत के अनुसार चलते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि कोई मस्जिद नष्ट हो जाए या तोड़ी जाए तो उसका मलबा दूसरे जगह जाए, ऐसे इनके शरीयत में नहीं है। इसलिए पहले अपने शरीयत के अनुसार चले। रही बात की बाबरी मस्जिद के विषय में, स्पष्ट है इसका इतिहास है कि मंदिर तोड़ करके उसी मलबे से मस्जिद बनी थी। तो जिस मलबे से मस्जिद बनी थी वो मलबा जो है वो मंदिर का था, इसलिए मस्जिद का मलबा वहाँ है ही नहीं है। जो मलबा वहाँ है वो राम भगवान राम के उस पहले का प्राचीन मंदिर का है, इसलिए वहाँ पर जो भी अवशेष है, जो भी मलबा है वो मंदिर का है, मस्जिद का है ही नहीं है। मस्जिद वहाँ कभी थी नहीं, और मस्जिद का जो स्वरूप बनाया गया था वो तथाकथित वह केवल राम मंदिर के मलबे से ही बना था। मलबा तो मंदिर का राम भक्त ने जब ढहाया तो सब उसे बड़े श्रद्धापूर्वक अपने अपने घर लेकर के चले गए। वहाँ कोई मलबा बचा ही नहीं, कुछ वहाँ क्या है को दे दिया है, यही गलत काम किया। दूसरी बात, कोई भी आ जाए, कैसी भी ताकत आ जाए, मलबे की तो बहुत दूर की बात है, अयोध्या से एक चुटकी अब बाबर के नाम पे मिट्टी भी नहीं मिलेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।